लाओत्से चीन के एक महान संत, विचारक और दार्शनिक थे। इनकी शिक्षाएं आज भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। लाओत्से कहते हैं, अगर आप लोगों का नेतृत्व करना चाहते हो तो पहले लोगों के पीछे चलें। इसका अर्थ ये है कि जब तक आप लोगों को जान नहीं लेते, समझ नहीं लेते, तब तक आप लोगों का नेतृत्व नहीं कर सकते। भीड़ को समझने के लिए पहले आपको भीड़ के पीछे जाना होगा, उसके बाद ही भीड़ आपके पीछे चल सकेगी। हजारों मीलों की यात्रा एक छोटे कदम से ही शुरू होती है। दरअसल जिंदगी में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कोई भी काम कभी शुरू ही नहीं कर पाते। उनके मन में सदा हार का ही डर बना रहता है। मगर लोग ये भूल जाते हैं कि दुनिया में आज जितने भी बड़े और सफल व्यक्ति हैं, उन्होंने भी पहले छोटी ही शुरुआत की थी। कुछ पकड़ने के लिए सबसे पहले अपना हाथ खोलना होगा। लाओत्से का ये सूत्र सुनने में जितना साधारण लगता है, असल में इसके अर्थ उतने ही ज्यादा गहरे हैं। दरअसल लोग अपनी जिंदगी में बदलाव तो चाहते हैं, मगर वो अपने अतीत को छोड़ना भी नहीं चाहते। लोग अपने अतीत को कसकर पकड़े रहते हैं। ये तो ऐसा ही हुआ कि आप अपने पुराने घर की जगह पर नया घर तो बनाना चाहते हैं, मगर पुराने घर को तोड़ना भी नहीं चाहते। इससे बड़ी उलझन पैदा होगी। आदमी की जिंदगी भी कुछ इसी प्रकार है। आदमी जिंदगी में पाना तो बहुत कुछ चाहता है, मगर गंवाना कुछ भी नहीं चाहता। कोई बहते हुए पानी में अपनी परछाई नहीं देख सकता। लाओत्से कहते हैं, जब तक इंसान अपने मन में निरंतर चल रहे विचारों को स्थिर नहीं कर लेता, तब तक वो इंसान खुद के आत्म स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकता। अपने मन को शांत करके ही तुम अपनी आत्मा का दर्शन कर सकोगे। प्रकृति सदैव दयावान नहीं है। ये एक बहुत ही गहरा सूत्र है। असल में प्रकृति वो है जिसने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। ऐसी कोई भी जगह खाली नहीं है जहां प्रकृति नहीं है। दरअसल प्रकृति ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्रकृति है। लाओत्से कह रहे हैं, प्रकृति दयावान नहीं है, मगर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि प्रकृति कठोर है। दरअसल कठोर भी वही हो सकता है जो कभी दयावान हो, और दयावान भी वही हो सकता है जो कभी कठोर हो, मगर प्रकृति ये दोनों नहीं है। अगर प्रकृति यानी परमात्मा आपकी प्रार्थना से दयावान हो सकता होता, तो इसका मतलब परमात्मा को गालियां देकर उसको कठोर भी बनाया जा सकता था। फिर तो परमात्मा सिर्फ मनुष्य के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाता। मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमात्मा को आपकी प्रार्थनाओं का और आपकी गालियों का कोई असर नहीं पड़ता। अगर कभी रास्ते पर चलते चलते आपके पैरों में कांटा चुभ जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा आप पर कठोर है। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि आप उन रास्तों पर चल रहे हो जहां सिर्फ कांटे ही कांटे हैं। और अगर कभी आपके ऊपर फूलों की वर्षा हो जाए, तो इसका मतलब ये भी मत समझ लेना कि परमात्मा आप पर दयावान है। इसका अर्थ सिर्फ इतना हो सकता है कि आप जिन रास्तों से गुजर रहे हैं, वहां के पेड़ फूलों से लदे हुए हैं। तो अंत में इसका मतलब ये हुआ कि आपके जीवन में जो भी सुख या दुख आता है, वो आपके खुद के ही कर्मों का फल है। परमात्मा का आपके सुख या दुख दोनों में कोई हाथ नहीं।